हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैंने कुछ प्लांट की ख़रीदारी की है, विंटर प्लांट की। कुछ प्लांट ही लिए हैं मैंने, ज़्यादा प्लांट नहीं लिया है, और क्योंकि अभी उनके नर्सरी पर आया नहीं था तो कुछ प्लांट ही आया था, तो मैंने थोड़ा सा प्लांट की शॉपिंग की है। तो मैंने सोचा आप लोग को वीडियो बनाकर दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सा प्लांट और किस प्राइस में लिया है। और विंटर प्लांट की प्राइस वैसे तो ज़्यादा महंगा रहता नहीं है, वो हर नर्सरी पे सस्ते दामों पर मिल जाता है और बहुत ही अच्छा प्लांट रहता है, कम दामों में मिल जाता है। और विंटर में ही गार्डन में चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आता है। तो देखिए, सबसे मेरा पहला प्लांट यही है, डेंथस का। डेंथस का प्लांट मैं 3 ठुलाई हूँ। ये है डेंथस, इसकी प्राइस 220 रुपया है। और ये वर्मीना है, इसकी भी प्राइस 20 रुपया है। काफ़ी सस्ते दामों में विंटर के प्लांट आते हैं, 15 से 20 रुपये में। ये है डहलिया, ये किस कलर का है ये तो मुझे नहीं पता है। और ये है गजानिया, गजानिया भी 20 रुपये का मिला था। और ये है बिगोनिया, बिगोनिया भी 20 रुपये का मिला है। और दोस्तों इसके अलावा ये है पेंजी, पेंजी का प्लांट भी, ये भी 20 रुपये का है। और ये है डार्क फ्लावर, डार्क फ्लावर भी, ये भी 20 रुपये का मिला है। इसके अलावा ये भी गजानिया है, येलो वाला, ये भी सेम प्राइस है। और ये है कैलेंडुला, कैलेंडुला का प्लांट मैं 2 लाई हूँ। और ये है साल्विया, साल्विया भी 20 रुपये का हमको मिला है। और इसके अलावा दोस्तों ये है एक रोज़ का प्लांट मैं लेकर आई हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, ये रोज़ का प्लांट ये मुझको मिला है 60 रुपये, यानी 60 रुपये इसको मिला है। और बहुत ही अच्छा कलर था, सेट डिज़ाइन में था। ये वाला गुलाब मेरे पास नहीं था, वैसे गुलाब की वैरायटी मेरे पास काफ़ी ढेर सारी है, तो ये वाला मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। और बहुत ही कम दाम में था, 60 रुपीज़ का मिला हमको। और दोस्तों इसके अलावा डहलिया का मैंने 2 प्लांट लाया था, कैलेंडुला का, कैलेंडुला का 2 प्लांट मैं ले आई हूँ। और बस यही थोड़ी सी प्लांट मैं शॉपिंग करके ले आई हूँ। और इसके अलावा नर्सरी पे मैं जाऊँगी, कुछ और प्लांट लेकर आऊँगी। यहाँ पे देखिए मैंने मिट्टी तैयार के लिए है, पौधे को रिपोर्ट करने के लिए। और मिट्टी मेरी पुरानी है, इसमें मिला हुआ है, सैंड है, वर्मी कंपोस्ट है, सारी चीज़ इसमें मिली हुई है। तो पौधे को मुझे रिपोर्ट भी करना है, और सारे पौधे को मैं रिपोर्ट करके तब मैं आपको दिखाऊँगी। अभी कुछ और प्लांट मेरे बाकी हैं, नर्सरी पर जैसे ही आ जाता है तो मैं और प्लांट लेकर रिपोर्ट कर दूँगी। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर पार्ट लिए हैं। ये मुझे 100 रुपये का 3 मिला है, ये 3 का साइज ही पूरा ऐसे मिला था। ये लगभग होगा 8 इंच होगा, 8 इंच का ये है, और फिर दूसरा वाला 7-10 इंच का है। 100 रुपये में 3 ठो मिला है। आप लोग बताइएगा कि प्राइस ठीक है या महंगा है या सस्ता है। और इसके अलावा ये भी 10 या 12 इंच का है, ये 100 रुपये में 3 ये मैंने फ्लावर पार्ट लिया है। काफ़ी अच्छा मजबूत फ्लावर पार्ट है। और विंटर सीजन के लिए प्लास्टिक के गमले सबसे बेस्ट होता है, आप हर जगह उठा के रख सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैंने एक और सेट लिया है, ये भी 100 रुपये का 4 मिला है, छोटे बड़े साइज के हिसाब से 100 रुपये का 4 ठो हमको मिला है। ये छोटा वाला ये 3 इंच का है, कटिंग वगैरह लगाने के लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मजबूत भी है। इसका प्लास्टिक बहुत ही अच्छा, काफ़ी मजबूत है, डिज़ाइन भी इसका सबसे अच्छा है, बेस्ट है। इसके अलावा ये 4 इंच का है, आप छोटा सा कोई भी प्लांट लगा सकते हैं,
विंटर सीजन का। ये 8 इंच का है और यहाँ पे देखिए मैंने होल समय बना लिया है। इसमें जो होल गमले में होल बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और प्लास्टिक के गमले में आप ज़्यादा से ज़्यादा होल बनाइए ताकि उसमें पानी रुके नहीं और पानी ड्रेन हो जाए। अगर पानी उसमें रुकता है, अगर होल आप कम बनाते हैं तो पौधे सड़ने लगते हैं। तो प्लास्टिक के पॉट में आप होल ज़्यादा बनाइए ताकि आपके प्लांट चले। और ये देखिए लास्ट वाला मेरा 10 इंच का था, तो ये भी मेरा 100 रुपये का चार चार पीस मिला है। आप लोग बताइएगा कि ये पॉट सही है या नहीं सही है। वैसे काफ़ी मज़बूत काफ़ी अच्छा पॉट है ये। तो यहाँ पे मैंने 2 सेट का मैंने गमला ले आई हूँ और थोड़े से मैंने शॉपिंग की है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मुझे आपको दिखानी थी, और मैं इस संडे को जाऊंगी और शॉपिंग करके लेकर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने एक रिपोर्टिंग करके मैं दिखा दे रही हूँ। आप जहाँ पे आपका होल है वहाँ पे आप टुकड़ा ज़रूर रख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपनी मिट्टी में एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा वर्मिंग कंपोस्ट मिलाकर तीनों चीज़ आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप अपने गमले में होल करके वहाँ पे जितने भी होल हैं आप सब होल को आप बंद कर दीजिए। फिर इस तरह से यहाँ पे मैंने बिगोनिया प्लांट की रिपोर्टिंग करके दिखा रही हूँ। एक ही प्लांट की रिपोर्टिंग करके मैं दिखाऊंगी, इसके अलावा मैं सारी प्लांट की रिपोर्टिंग कर लूँगी। इस तरह से आप चारों तरफ मिट्टी रख के वहाँ पे पौधे को सेट कर दीजिए। आप ग्रो बैग में एकदम आसानी से निकालिएगा और रूट बॉल को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए क्योंकि विंटर सीजन के प्लांट हैं। तो थोड़ा सा आप सिर्फ मिट्टी निकाल लीजिए अगर मिट्टी ज़्यादा लग रही है तो। इस तरह से आप बीचों बीच सेंटर पर रख दीजिए और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्मिंग कंपोस्ट मिला रही हूँ क्योंकि मेरा पहले से मिला हुआ है। तो रिपोर्टिंग करते वक्त मैं थोड़ा सा एक मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट मिला के तब मैं अपने पौधे को लगाऊंगी। इस तरह से आप पूरा एक साथ मिट्टी मिला के लगा सकते हैं। अगर आपकी पुरानी मिट्टी है तो थोड़ा सा वर्मिंग कंपोस्ट और थोड़ा सा DAP आप मिलाकर अपने प्लांट की रिपोर्टिंग इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस तरह से मैं रिपोर्ट कर लूँगी। बस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पूरा रिपोर्टिंग करके।